नमस्कार दोस्तों, टेक सुविधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप 1 लाख रुपीज के अंदर एक कैसा पीसी बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यार इंटेल का बिल्ड करो, तो आरटीएक्स के नए कार्ड आ गए हैं, आरटीएक्स के भी बिल्ड कर लो। तो मैंने दोनों को मिक्स एंड मैच कर दिया है। मतलब कि ये जो पीसी बिल्ड होगा, ये जीपीयू के अंदर आपका आरटीएक्स यूज किया जाएगा और सीपीयू के अंदर इंटेल का कोई प्रोसेसर यूज किया जाएगा। तो अगर आप भी कोई एक ऐसा ही पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और आप फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को और डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यार ट्विटर फेसबुक वगैरह फॉलो करना है तो कीजिए, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन एफिलिएट लिंक से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तू तो बक बक कर रहा है पीसी बिल्ड की तरह, तो यार देख लो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है ये वर्चुअल बिल्ड है। तो यहाँ पे आप रियल पीसी बिल्ड तो एक्सपेक्ट ना करो, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब इस स्ट्रिक्ट बजट के अंदर मैं कैसा क्या क्या पार्ट्स यूज करूँ। तो ये एक पार्ट्स रिकमेंडेशन टाइप का बोल सकते हो या वर्चुअल बिल्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आरंभ करते हैं। और आज की वीडियो को हम एकदम स्वीट और सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो सीधे डायरेक्टली हम आ जाते हैं इस बिल्ड के सबसे कोर कंपोनेंट के ऊपर, यानी कि सीपीयू, जिसके अंदर की एक्चुअल के कोर्स होते हैं। तो सीपीयू में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटेल का i5-8400 जो कि 2.8 GHz पे क्लॉक्ड है, और बूस्ट होते वक्त आई थिंक कि 4 GHz को हिट कर जाता है सिंगल कोर पे। ऑल कोर बूस्ट अराउंड 3.8 GHz या 3.7 होगा, ठीक है, वो चिप्स के हिसाब से वराई करता है। तो काफ़ी अच्छा सीपीयू है ये, मतलब इसके अंदर 6 कोर्स हैं और 6 थ्रेड्स ही हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। और या काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लॉक्ड है, आप इसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो, पर मतलब गेमिंग के लिए यार काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कॉशन देना चाहूँगा, मतलब कि जो फार क्राई 5 खेलना चाहते हैं, ठीक है, उन लोग के लिए तो Ryzen 5 2600 ही बेटर है, क्योंकि एक्चुअल में वो गेम जो है ना वो 12 थ्रेड्स का यूटिलाइजेशन करता है। तो वैसे तो ये जो प्रोसेसर है ये भी अच्छा खासा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दे देगा उस गेम में भी, लेकिन कहीं कहीं पे जो आपके जो मिनिमम फ्रेम्स होते हैं ना, मतलब कि अचानक से, मतलब आप 60 पे जा रहे हो तो अचानक से आपका कुछ कुछ मिली सेकेंड के लिए आपका फ्रेम डिप हो जाए अचानक से 15 से 20 फ्रेम पे, लेकिन बाद में वापस स्टेबल हो जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है इस सीपीयू के साथ, बाकी राइजन के साथ नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो यार हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो Ryzen 5 2600 पे बिल्ड करो। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे बोल रहे थे कि यार इंटेल के साथ भी करो, आप तो एएमडी के फैन हो गए हो, ये वो। तो मैं बोला ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, अपना जो राय है वो अलग तरफ रखते हैं और बाकी जो लोग डिमांड करते हैं उसको अलग रखते हैं। इसलिए मैंने ये पीसी बिल्ड या फिर ये वर्चुअल बिल्ड इंटेल के i5 CPU के साथ किया हुआ 8th जनरेशन के कॉफी लेक के। ठीक है, वैसे तो 9th जनरेशन आ चुका है पर उसकी अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपको अच्छे प्राइस पे 9400 मिलता है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार प्राइसिंग के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है तू, मतलब कंपोनेंट्स के प्राइसेस क्यों नहीं बता रहा। अब देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन साइट से ले रहे हो या फिर अमेजोन से ले रहे हो या फिर ऑफलाइन मार्केट से ले रहे हो, तो हर जगह जो प्राइसेस है ना वो अलग अलग होते, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्राइसेस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हर हर साइट पर मतलब अलग अलग प्राइसेस रहती हैं। लेकिन ये जो पूरा पीसी बिल्ड आप 1 लाख के अंदर कर सकते हैं, और ये पीसी बिल्ड मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो उनका तो पीसी बिल्ड का जो मतलब पूरा, मतलब उनको पूरा कॉम्पोनेंट ही 1.2 लाख का चाहिए। तो फिलहाल हम 1 लाख का बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी के एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में हमने इस्तेमाल किया MSI का B360 कार्बन। अब ये MSI की तरफ से B360 चिपसेट में काफ़ी हाई एंड मॉडल है, मतलब कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है। इसके अंदर आप M.2 लगा सकते हो, 4 RAM स्लॉट है, इसके अंदर आपको USB 3.1 मिल जाएगा, USB 3.0 मिल जाएगा, USB 2 भी मिल जाएगा, मतलब इस मदरबोर्ड के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको RGB भी मिल जाएगा। ये पूरा कंप्लीट मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप लॉग्ड i7 भी लगा सकते हो, 9th जनरेशन का भी लॉग्ड i7 लगा सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है यार। ठीक है, और दिखता भी अच्छा खासा है, आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं रैम की तरफ। तो रैम में हमने इस्तेमाल किया है जी स्किल की तरफ से Trident Z RGB जो कि 3000 MHz पे क्लॉक्ड है और 8 GB की डोज चिक्स है और CL16 इनकी टाइमिंग है। तो ये किट आपको आई थिंक, चलो यार प्राइसिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, पर ये समझ लो कि ट्राइडेंट जी की RGB वाली रैम है जो कि 3000 MHz पे क्लॉक्ड है और उसकी जो कैश लेटेंसी है वो CL16 है। ठीक है, अब वैसे तो रैम में अगर आप और ज़्यादा फैंसी जाना चाहोगे, मतलब कि और भी खतरनाक RGB का इफेक्ट देना चाहते हो, तो जी स्किल की तरफ से ट्राइडेंट जी में रॉयल मेमोरी आती है, उसके अंदर आपको एक गोल्ड में मिल जाएगा
और सिल्वर में मिल जाएगा। और यार भले आपको 3-4 हज़ार मतलब एक्स्ट्रा देना पड़े, पर भाई कसम से यार क्या मेमोरी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस बजट में, तो डेफिनेटली मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप वो रॉयल मेमोरी के साथ ही जाइए, क्योंकि वो मतलब एक यूनिक सा टेस्ट देंगे आपके पीसी बिल्ड को पूरा। क्योंकि ये जो ट्राइडेंट या RGB तो वो तो बहुत मेडियोकर हो चुका है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर आप RGB रॉयल के साथ जाते हो जी स्किल के ही ट्राइडेंट वाले, तो मतलब यार आप कुछ नया टाइप में भी हो जाएगा और दिखता भी खतरनाक है। तो मैं तो वही रेकमेंड करूंगा, बाकी आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो कर सकते हो, आपका पीसी बिल्ड है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं MSI की तरफ से RTX 2060 वेंटस। जी हाँ बिल्कुल, ये कार्ड ना ही बहुत महंगा है ना ही बहुत सस्ता है, ये जो कार्ड है MSI की तरफ से काफी अच्छा दिखता है व्हाइट कलर में, और थोड़ा ग्रीन का एक्सेंट भी दिया हुआ है। और बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई RTX 2060 सच में, वैसे तो जो 60 सीरीज के कार्ड होते हैं वो है नॉर्मली 20 to 25 थाउज़ेंड के आसपास में लॉन्च होते हैं, पर जाहिर सी बात है क्योंकि इसके अंदर RTX का टाइटल, मतलब कि इसके अंदर रे ट्रेसिंग के कोर्स हैं और साथ में ये अपना AI के कोर्स हैं, तो मिला जुला के ये महंगा पड़ गया। फिर भी यार अगर आप बाकी कंपेयर करोगे बाकी RTX कार्ड के मुकाबले, जैसे कि 2070, वैसे 2070 तो एक तरफ से जब से 2060 लॉन्च हुआ है 30 हो चुका है सही बोले तो, लेकिन हाँ फिर भी मतलब 2080 और फिर 2080 Ti, मतलब इनके हिसाब से अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन देखोगे ना, तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा है। मतलब कि ये कार्ड आपको अराउंड 35 to 36 थाउज़ेंड में मिल भी जाएगा। फिर से यार प्राइस की बात कर दी, प्राइस की बात नहीं करना है ठीक है, लेकिन उसी रेंज में आपको ये कार्ड मिल भी जाएगा, ना ही ज़्यादा बहुत महंगा है, और परफॉर्मेंस तो काफ़ी खतरनाक ये कार्ड देता है। मतलब कि अगर आप सिर्फ रास्टराइजेशन परफॉर्मेंस की बात करो, रे ट्रेसिंग और AI कोर्स को भूल जाओ, तो ये कार्ड आराम से आपका मतलब 2K गेमिंग भी करवा सकता है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1070 Ti के लेवल की आती है। ठीक है, तो मतलब यार आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा और आपको एक काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस मिल जा रहा है, आप 2K पे भी गेमिंग कर सकते हो। और वैसे अगर आप जो रे ट्रेसिंग वाले गेम्स हैं उनके अंदर भी आप मतलब रे ट्रेसिंग ऑन करके आई थिंक अराउंड 45 to 60 FPS आराम से पा सकते हो, और 1080p हाई पे वो भी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो अब बारी आती है CPU कूलर की। जी हमने यहाँ पे CPU कूलर भी मतलब ऐड कर दिया इस PC बिल्ड के अंदर, क्योंकि देखो यार वैसे तो जो इंटेल के साथ स्टॉक कूलर आता है वो मेरे ख्याल से i5-8400 के लिए काफ़ी होगा, लेकिन फिर वही बात है कि हम चाहते हैं ना कि मतलब यार परफॉर्मेंस के साथ आपको एस्थेटिकली भी अच्छा दिखे, मतलब कि आपका जो गेमिंग PC है वो दिखने में भी धांसू और परफॉर्मेंस में भी धांसू। और अगर आप एक आफ्टर मार्केट कूलर लगा देते हो तो आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादातर टाइम के लिए मतलब कि उसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो आराम से अचीव कर लेगा, और वो भी मतलब एक्सेप्टेबल टेम्परेचर पे। आपका CPU भी हॉट रन नहीं होगा, और जाहिर सी बात है हीट डिसिपेशन अच्छे से होगा, आपका केस में मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं रहेगी, कार्ड भी थोड़ा कूल रन करेगा। तो मतलब यार यहाँ पे हम लोग कूलर इसलिए ऐड करें ताकि एस्थेटिकली भी प्लीजिंग रहे और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे। तो CPU कूलर में हम इस्तेमाल करेंगे कूलर मास्टर की तरफ से Hyper 410R, और ये कूलर है ना रेड LED के साथ आता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा मतलब थीम दे देगा आपके PC को। और साथ ही में यार परफॉर्मेंस इस कूलर की काफ़ी अच्छी है, अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब बजट में काफ़ी बेहतरीन कूलर है, और मैं इसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा SSD के बारे में, क्योंकि देखो यार स्टोरेज डिवाइसेज भी तो ऐड करना ज़रूरी है, और सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेज में नॉर्मली लोग हार्ड ड्राइव ऐड कर रहे, छोड़ दे पर छोड़ो हार्ड ड्राइव भी नहीं, मतलब कि कुछ लोग SSD भी ऐड कर रहे, पर हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जाएंगे। हम SSD के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सैमसंग का 970 EVO, जो कि 250 GB का है, और ये SSD आपको अराउंड वही नहीं, प्राइस छोड़ो यार मैं क्यों भूल जाता हूँ कि प्राइस के बारे में अपने को बात नहीं करना है। ठीक है, तो SSD में हम सैमसंग 970 EVO इस्तेमाल करेंगे, ये NVMe M.2 SSD है, मतलब कि ये आपके डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगेगा, यहाँ पे सेटा वेटा का कोई झंझट नहीं है, तो ये सुपर ब्लेजिंग फास्ट यार। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैं जब ये सेटा SSD यूज़ करता था तब मेरे को काफ़ी परफॉर्मेंस दिखा, और जब आप NVMe यूज़ करोगे तो सोचो यार आपका बूट टाइम्स क्या होगा, 10 सेकेंड के अंदर आपका जो PC है रपाक से बूट हो जाएगा, और उसके अंदर अगर आप मान लो कि एक दो गेम स्टोर करते तो वो भी फटाफट फटाफट लोड हो जाएगा। ठीक है, पर वही बात है यार कि सिर्फ SSD से जिंदगी चलेगी नहीं, हमें हार्ड ड्राइव की भी जरूरत है। ठीक है, 250 GB के SSD में आप क्या क्या स्टोर करोगे, इसलिए हम लोग हार्ड ड्राइव में इस्तेमाल करेंगे WD Blue का 1 TB का हार्ड ड्राइव, जो कि 7200 RPM पे आता है, और आई थिंक ये 1 TB आपके लिए काफी होना चाहिए यार। और अगर मान लो कि कम पड़ भी जाता तो आप फ्यूचर में 2 TB का लगा सकते हो, ये Seagate का 12 कूड़ा वाला। मैं WD Blue का तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 2 TB वाला वर्जन लो, क्योंकि वो कम स्पीड पे रन करता है, मतलब कि 54 RPM पे। तो अगर आपको 2 TB का हार्ड ड्राइव चाहिए तो Seagate 12 कूड़ा ही आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो अब बात करें थे पावर सप्लाई की, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है जब ऐसा मिड रेंज का या फिर आप मिड टू हाई रेंज वाला PC बिल्ड कर रहे हो, तो एक ऐसा पावर सप्लाई लेना जरूरी है जो कि आपके PC बिल्ड को स्टेबल पावर दे दे,
और मतलब अगर कुछ फेलियर वगैरह भी होता है तो मतलब पावर को बराबर कट करे ताकि आपके पीसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज ना हो। तो इसलिए हम एक अच्छे क्वालिटी का पावर सप्लाई हमेशा यूज करेंगे। और किसी भी पीसी बिल्डो, मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि भले सस्ता पीसी बिल्डो, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप एक काफी अच्छे क्वालिटी का पावर सप्लाई लें। तो पावर सप्लाई के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कूलर मास्टर का मास्टर वॉट एलिट 550 वॉट्स, जो कि 80+ ब्रॉन्ज है, और 550 वॉट्स या आरटीएक्स 2060 के लिए काफी है। 550 वॉट्स में अगर आप चाहो तो आरटीएक्स 2070 भी लगा सकते हो, हालांकि मतलब यार ऐसे पीसी बिल्ड में हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। तो 2070 भी आप आराम से लगा सकते हो और काफी अच्छा पावर सप्लाई, यार प्राइस भी इसकी काफी अच्छी है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक अच्छे क्वालिटी का पावर सप्लाई लेना जरूरी है, तो इसीलिए हमने इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है। अब अगर आपने फॉलो किया जो जो मैंने मतलब कंपोनेंट इस पीसी बिल्ड के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं, तो आपका जो अराउंड पूरा बजट है अब वो 1 लाख के आसपास हो चुका है। तो मतलब कि आपका पीसी बिल्ड 1 लाख में चालू हो गया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की, मतलब कि मॉनिटर कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको 1.2 लाख में पीसी बिल्ड करना था, तो 20,000 हम यहाँ पे एक्सेसरीज के लिए सेव करके रखे हुए हैं। तो अब एक्सेसरीज में सबसे पहले तो आता है आपका कीबोर्ड और माउस। तो माउस में हम इस्तेमाल करेंगे स्टील सीरीज का राइवल 110, और माउस पैड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टील सीरीज का QCK। बाकी ऑडियो डिवाइस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो क्रिएटिव का AB68 समथिंग करके, मैं लिंक डाल दूंगा आप, तो आप देख लेना, ABS 68 समथिंग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। और बाकी अगर मॉनिटर की बात करें तो आप 75 हर्ट्ज का 1 ms रिस्पॉन्स टाइम वाला गेमिंग मॉनिटर आप ले सकते हो, और ये एसर की तरफ से आता है जिसका नाम है KG221Q, ठीक है। नहीं तो अगर आपको IPS पैनल चाहिए, मतलब कि आपको प्रोडक्टिविटी वगैरह काम करना है, तो आप IPS पैनल में LG का 22MP 68VQ ले सकते हो। बाकी अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप एसर का KG221Q बिट मिक्स समथिंग नाम है वो वाला मतलब आप यूज करें, ठीक है। और बाकी बचता है कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड के लिए रेड गियर का 881 इन्वेडर यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो अब आपका पूरा बजट हो चुका है 1.2 लाख पूरा, मतलब मिला जुला के, मतलब कि पूरा पीसी बिल्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।